हमने मुक्ताकाशी मंच पर लोगों को समय दिया, स्थान दिया और अटल कला मंच पर, अब जो अटल कला पार्क में अटल कला मंच बना, उसमें झांसी के बुंदेली लोक कलाकारों को, शास्त्रीय कलाकारों को और नाट्य मंच को, गायन, वादन, नृत्य और नाट्य मंच, सबको कलाकारों को मंच दिया। आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि 2007 के बाद जब 150वीं स्वतंत्रता संग्राम की हम लोगों ने जयंती मनाई थी, देश की आज़ादी का जश्न मनाया था, उस समय देवराज चतुर्वेदी जी की ही पूरी टीम ने रणचंडी नाटक का प्रदर्शन मंच पर मेरठ में किया और जहां से क्रांति का बिगुल बजा, स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ हुआ मेरठ से, उस स्थान पर जाकर हमारे झांसी के कलाकारों ने प्रस्तुति दी, देकर अपनी झांसी को गौरवान्वित किया। आज फिर जलसा 2022, 18 नवंबर जिला प्रशासन ने मंच दिया हमारे प्रेरणा स्रोत श्री रविंद्र कुमार जी, जिलाधिकारी झांसी, जिन्होंने खुले मन से कहा कि हर कलाकार को स्थान दीजिए मैडम, तो रंगोली सजी रानी की, रूप सज्जा हुई रानी की, लघु नाटिका हुई रानी की, गीत नाटिका हुई महारानी किरण कौशल की और नाट्य मंच पर आज सुंदर 45 मिनट की प्रस्तुति से रोमांचित हो गया झांसी। मंडल प्रशासन, मंडलायुक्त झांसी डॉक्टर आदर्श सिंह जी और DIG साहब IPS झांसी के जोगिंदर कुमार जी, उनके पिता जो ये देख कर रो पड़े जब दामोदर को अंतिम सांसें लेती रानी कहने लगी दामोदर को संभालना, ये था समर्पण। रानी की आत्मा निस्वार्थ भाव से देश प्रेम करती रही। 23 वर्ष की नन आज की युवती लुट रही, पिट रही, रोने की गाथा गाती है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई का वो शौर्य पराक्रम हमें विवश करता है कि 21वीं सदी में रानी के नाम का गुणगान नहीं करना है, महारानी की तरह गुणवान बनना है। रूपवान रानी थी, रूप सज्जा हो गई, लेकिन चित्र और चरित्र का संगम नहीं होगा तो हमारे भारत का निर्माण असंभव है। संस्कार, संस्कृति और उसके साथ कला का संगम आज देखने को मिला जलसा 2022 में, जहां दीनदयाल सभागार के चारों ओर महारानी का अंतिम रण संग्राम बच्चियों ने दिखाया और सपना श्रीवास जैसे उनको भी पुरस्कृत किया गया पहली बार। जो पुरस्कार दिए गए उसमें भी रानी ने का चित्र है, घोड़े पे सवार रानी के मग दिए गए, वो भी परिकल्पना DM सर की थी और मनीष चौधरी जी उपायुक्त उद्योग विभाग को बधाई दूंगी। झांसी का न्यू स्टार्टअप कि महारानी के चित्र को घर घर पहुँचाया जाए। और आज एक और अनूठी पहल हुई, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के यशोगान की पहली कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित 31 मुक्तकों की उस कविता को मैंने स्वयं कटिबद्धता के साथ, क्योंकि मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि झांसी है और मैं वीरांगना के प्रति आस्थावान हूँ और कोशिश करती आई हूँ अपनी इस आयु के पड़ाव पर भी कि मैं रानी की तरह रणचंडी, इस समय रण और संग्राम तो नहीं लेकिन संग्राम है अपनों से, संस्कारों से, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की आज ज़रूरत है। दीदी, कुछ लोग कहते हैं मैं खुली किताब हूँ, लेकिन आप एक पूरी पाठशाला हैं, लेकिन आप किससे प्रेरणा ली आपने? मेरे माता पिता, मेरे पिता विश्व गौरव थे, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता थे, द्वितीय विवेकानंद की उपाधि से विभूषित थे। मेरी माँ जो निस्वार्थ सेवा के लिए, निष्काम सेवा के लिए, बिना प्रदर्शन के 85 वर्ष अपनी आयु की उन्होंने झांसी को दिए और वही उमंग, वही उत्साह, वही समर्पण, वही सेवा मुझे मेरे माता पिता ने विरासत में संस्कार ही दिए और वही निष्काम निस्वार्थ भावना से राष्ट्रभक्ति की प्रतीक बनी रानी महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, वही निष्काम निस्वार्थ जीवन की आज ज़रूरत है। दीदी, विधान भक्ति चैनल अच्छे लोगों को ही पसंद करता है, प्यार करता है, उनका इंटरव्यू लेता है। हमारा चैनल आपकी लंबी उम्र और बहुत सारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता है और हमेशा आपका
शुभ चिंतक बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांत शब्द अपने आप में अध्यात्म की प्रेरणा देता है और भक्ति वेदांत के साथ हम जन जन की आत्मा की आवाज़ वेदांत चैनल जनता तक पहुँचाता है, उसके लिए पुनः साधुवाद, धन्यवाद।